जुलाई में इतने सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हो गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा कौन सा फोन बेस्ट है। सब फोन्स एक से बढ़कर एक, लेकिन अब देखते हैं कि अगस्त हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। हाय गाइस, मैं प्रवीण भंकर और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए टॉप अपकमिंग फोन्स इन अगस्त 2024 की लिस्ट, जो कि लॉन्च होने वाले इंडिया में। और हाँ, मैं यहाँ पे जो भी आपके साथ डिटेल शेयर करने वाला हूँ सारी बेस्ड है ऑन लीक्स। जुलाई में हमें देखने को मिला दी ओजी सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6, जो कि काफी अच्छे इंप्रूवमेंट के साथ आया है। लेकिन अब गूगल इंडिया में लेकर आने वाला है गूगल पिक्सल फोल्ड विद गूगल जेमिनी, एंड साथ साथ आपको गूगल पिक्सल 9 सीरीज भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे गूगल पिक्सल 9 प्रो फोल्ड की, तो इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा गूगल टेंसर G3 का, और यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिलेगी 4500 mAh की, और डिस्प्ले में आपको 7.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जब आप अनफोल्ड करेंगे, और एमोलेड आपको देखने को मिलेगा विद 120Hz, एंड साथ साथ आपको 5.8 इंच का कवर डिस्प्ले देखने को मिलेगा विद सेम एमोलेड डिस्प्ले इन 120Hz। एंड कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा विद 48 MP का मेन कैमरा, और आपको इनसाइड मतलब फोल्ड खोलने के बाद जो कैमरा देखने को मिलेगा वो 8 MP का होगा, और अगर आप फ्रंट में कवर स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको मिलेगा 9.5 MP का कैमरा, और इसका प्राइस हो सकता है अंडर 2 lakhs, और ये लॉन्च होगा 14th अगस्त को। अब देखते हैं कि Google Pixel Fold, OnePlus Open, Vivo X Fold 3 Pro एंड Samsung Galaxy Z Fold 6 को कैसी टक्कर देता है। अब बात करते हैं Pixel 9 Pro की, जिसमें कि आपको अपग्रेड देखने को मिलेगा Pixel 8 Pro से। पहले आपको मिलता था Google Tensor G3, लेकिन अब आपको Google Tensor G4 देखने को मिलेगा, एंड बैटरी 5050 mAh की। पहले आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता था, लेकिन अब थोड़ा सा छोटा होने वाला है 6.24 इंच का AMOLED 120Hz का डिस्प्ले। और कैमरास में आपको यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है 50 MP का, तीनों कैमरास 50 MP के हैं। और फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे पहले आपको 10.5 MP का मिलता था कैमरा, लेकिन अब आपको 50 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, और प्राइस हो सकता है इसका अंडर 1 lakh, और इसकी भी लॉन्च डेट है 14th अगस्त को। और अब देखते हैं कि ये कैसा कॉम्पिटिशन देता है Samsung Galaxy S24 Plus को और iPhone 15 Plus को। बजट सीरीज के स्मार्टफोन्स में तो एक के बाद एक धमाकेदार स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, और अब पोको की तरफ से भी आ रहा है पोको M6 Plus, जिसमें कि आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 4 Plus Gen 2, और बैटरी होगी इसमें 5030 mAh की। डिस्प्ले आपको मिलेगा 6.7 इंच का फुल HD प्लस 120Hz का LCD डिस्प्ले, और यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि मेन कैमरा होगा 108 MP का और फ्रंट कैमरा होगा 13 MP का। प्राइस हो सकता है इसका अंडर 15,000, और लॉन्च डेट हो सकती है इसकी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। और ये फोन कम्पीट करेगा CMF Phone 1, Realme P1, Vivo T3X एंड Moto G64 से। Oppo Reno 12 सीरीज के कैमरास तो कमाल है, लेकिन इनको टफ कंपटीशन देने के लिए आ रहा है Vivo की तरफ से Vivo V40 सीरीज, जिसमें कि आपको Vivo V40 एंड Vivo V40 Pro देखने को मिलेंगे। और यहाँ प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे पहले Vivo V30 Pro में आपको देखने को मिलता था Dimensity 8200 का प्रोसेसर, लेकिन अब आपको MediaTek Dimensity का 9200 Plus का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और यहाँ बैटरी आपको पहले 5000 mAh की थी, लेकिन अब आपको 5500 mAh की देखने को मिलेगी, और डिस्प्ले में आपको 6.78 इंच का फुल HD प्लस 120Hz AMOLED डिस्प्ले ही मिलेगा सेम, और कैमरा में भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें कि आपका मेन 50 MP का है, एंड एक 50 MP का आपको 2x टेलीफोटो भी देखने को मिलता है, और फ्रंट में आपको 50 MP का कैमरा देखने को मिलेगा। प्राइस इसका अराउंड होगा 40,000 के आसपास, एंड साथ साथ लॉन्च होएगा ये 3rd week of August में। और ये सीधा कॉम्पीट करेगा ओप्पो रेनो 12 प्रो से एंड सैमसंग गैलेक्सी S23 FE से। देखते हैं कौन बाजी मारता है। Oppo Reno 12 सीरीज में एक और एडिशन होने वाला है, लेकिन दिस टाइम दिस इज गोइंग टू बी अ बजट फोन, Oppo Reno 12F, जिसमें कि आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा MediaTek Dimensity का 6300, और यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 6.67 इंच का फुल HD प्लस 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा, और आपको कैमरा यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि मेन कैमरा होगा 50 MP का, और आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा 32 MP का, और यहाँ पे प्राइस होगा अराउंड 20,000 to 25,000, और ये लॉन्च हो सकता है 3rd week of August में। और ये कॉम्पीट करेगा Motorola H50 Fusion, OnePlus Nord CE4 एंड आपका Nothing Phone 2A से। लास्ट ईयर का Motorola H40 Neo काफी अच्छा फोन था, और अब उसका सक्सेसर आ रहा है Motorola H50 Neo, जिसमें कि आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा पहले के मुकाबले MediaTek Dimensity 730 से अब आपको मिलेगा 7300 का प्रोसेसर, जिसमें कि आपको डिस्प्ले मिलेगी पहले आपको मिलती थी 6.55 इंच की, लेकिन अब आपको मिलेगी 6.4 इंच की P-OLED 120Hz की डिस्प्ले, और वहीं कैमरा में आपको यहाँ पे पहले डुअल कैमरा सेटअप था, लेकिन अब आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, जिसमें कि मेन कैमरा होगा आपका
50 मेगापिक्सल का और एक एक्स्ट्रा आपको 10 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल रहेगा। लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है कि थर्ड कैमरा कौन सा सेंसर है। और यहीं पे अगर बात करें फ्रंट कैमरा तो आपको 32 मेगापिक्सल का सेम फ्रंट कैमरा मिलेगा। अगर बैटरी की बात करें तो पहले आपको 5000 एमएच की बैटरी मिलती थी, लेकिन अब आपको कम देखने को मिल रही है 4500 एमएच के आसपास। और इसका प्राइस हो सकता है अंडर 25,000 और इसका लॉन्च प्राइस हो सकता है अंडर 20,000 और लॉन्च डेट होगी इसकी सम टाइम इन अगस्त। और ये कॉम्पीट करेगा OnePlus Nord CE4 Lite, iQOO Z9, CMF Phone 1 एंड Moto G85 से। सो गाइज, आप लोग कौन से फोन के लिए एक्साइटेड हो और जैसे ही लॉन्च होगा आपको बाय करना है जरूर से बताना मुझे कमेंट्स में। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं गूगल पिक्सल फोल्ड के लिए, क्योंकि यार हमारे इंडिया में इतना कॉम्पिटिशन है ऑलरेडी फोल्ड के लिए और यहाँ पे हमारे पास गूगल पिक्सल फोल्ड क्या ऑफर करता है और सबसे बड़ी बात कौन से प्राइस टैग के साथ आता है। सो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 91 मोबाइल्स को। और हाँ, दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।